अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। आज बात करेंगे COVID-19 की वजह से जो सब कुछ ठप हो चुका था, स्टॉप हो चुका था, अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है, जो बनिहाल और जो बारामूला ट्रेन सर्विसेज है, आज हम बनिहाल में ही खड़ा है इस टाइम, जो ये ट्रेन सर्विसेज है ये रिज्यूम नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से हमें ये बताया गया कि बनिहाल के लोगों को काफ़ी कुछ, और पूरे बनिहाल के नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, तो वो हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कैसी टाइप की इनको प्रॉब्लम्स आ रही है इस ट्रेन, जो ये ट्रेन स्टॉप हो चुकी है इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ हमारे साथ इस टाइम जावेद साहब है, ये रिटायर्ड लेक्चरर है और ये यहाँ सोशल एक्टिविस्ट भी एक है, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ आकर, ये बहुत बड़ा पब्लिक इशू है ये इस वक्त पेंडेमिक, जो लगभग इस वक्त पूरे वर्ल्ड में ये जो पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, इसकी वजह से लोगों ने सब कुछ सहयोग किया गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो भी गवर्नमेंट की हिदायत थी, लॉकडाउन था, उसका सब लोगों ने भरपूर साथ दिया। ये अपने लिए ही था, ये कि गवर्नमेंट के लिए नहीं था। लेकिन अब चूंकि ट्रांसपोर्ट भी खुल गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ खुल चुका है, और जो गवर्नमेंट ने SOPs के लिए फॉलो के लिए कहा था कि गाड़ियों में या छोटी गाड़ियां जो जाती है, सोमो, टाटा सोमो या दूसरी गाड़ियां, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ के लोग, यहाँ पर हेल्थ केयर का बड़ा फुकदान है बनिहाल में, और ज़्यादातर लोगों को श्रीनगर या अनंतनाग या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। इसके लिए भारी भरकम किराया देना पड़ता है। हालांकि जो गवर्नमेंट ने SOPs इजरा की थी, उसमें कुछ 3-4 सवारियाँ इनको अलाउड थी। अब इस वक्त आप देखिए, आपने भी देखा होगा कि सवारियों का वो सिस्टम नहीं है, पूरी की पूरी सवारियां भी उठाते हैं और लोगों का किराया भी उतना लिया जाता है। अब ट्रेन से ये था कि एक तो हमारा टाइम बच जाता था, और दूसरा गरीब आवाम है इस वक्त, लोग मुसीबत में, पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तो कश्मीर जाने के लिए कम से कम अगर ट्रेन चालू की जाती और उसमें भी वही SOPs फॉलो की जाती, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को सहूलियत हो जाती थी। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपकमिंग विंटर आ रहा है, उसमें जो नेशनल हाईवे है ये ज़्यादा बंद रहता है, और जो बनिहाल से जो टनल से उस पार काजीगुंड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, सर्दी में बहुत टाइम वो बंद रहता है, ट्रेन की वजह से लोग जाते थे, उसके बारे में मतलब आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी विंटर्स तो मतलब शुरू ही नहीं हुई, अभी समर में ही आपने देखा होगा कि यहाँ से आप नौगाम तक ही ले लीजिए, टनल पार की बात छोड़िए, आप कई लोगों को तो दो दो चार चार पाँच पाँच घंटे वहाँ तक लगते हैं, और कश्मीर तो एक बार वहाँ पर जाए तो मुश्किल से शाम तक, मुझे नहीं लगता है कि 12-1 बजे से पहले पहले रात के यहाँ लोग पहुँच जाते हैं, और जब कोई बीमार ज़्यादा होता है तो उसके लिए तो ज़्यादा परेशानी है। इस वक्त ना तो कोई होटल में बैठ सकता है, ना कहीं कोई इंतज़ाम है, तो इसलिए हम हुकूमत से और रेलवे अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि ट्रेन का जो है इसको रिज्यूम किया जाए, इस ट्रेन सर्विस को, ताकि हमारी दिक्कतें दूर हो जाए। दूसरा, ये यहाँ पर जो बेरोज़गारी फैली हुई है इस ट्रेन की वजह से, जब ट्रेन यहाँ आती थी तो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता था, अब इस वक्त सारे बेचारे नौजवान जो जिन्होंने लोन निकाले थे, कुछ गाड़ियाँ थी उनकी, या दूसरा होटलियर था, दुकानदार था, कुछ ना कुछ वो दिन भर वो कमा ही लेते थे, या वेंडर्स थे, रेल में भी चलते थे वेंडर्स, उनका भी बेचारों का कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता। अगर रेलवे अथॉरिटीज़ और यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, J&K गवर्नमेंट, अगर ये SOPs को उनको हिदायत दे दें कि SOPs फॉलो करें, जिस तरह हम गाड़ियों के लिए उन्होंने कहा, वहाँ तो कोई SOPs तो इस वक्त फॉलो हो ही नहीं रहा है, वो ट्रेन में ये कर सकते हैं, तो ट्रेन सर्विस जो है मेरे ख्याल में कमिंग विंटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ता है हमें। तो हमारे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, उनका ऑफलाइन एग्जाम है, उनसे भी पूछ सकते हैं आप, यहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल हमारे साथ यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट है जो कश्मीर में पढ़ते हैं, तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। जी
आप हमें बोलिए, आप कश्मीर में पढ़ते हैं जी, जब से ट्रेन बंद हुई क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर पहले मेरा नाम आदिल यूसुफ वानी है, मैं अनंतनाग में सर पढ़ता हूँ। पहले सर जो ही COVID-19 की वजह से सब कुछ बंद हो गया तो हमें बहुत दिक्कत आई उससे भी, क्योंकि पहले नेट भी बंद था, वो सब कुछ बंद था। उसके बाद जो ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो हमने ऑनलाइन क्लासेस दे दी वो भी, लेकिन उसके बाद जो ही अब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई हमें सर बहुत दिक्कत होती है। मतलब बाय रोड अगर हम जाते, परसों अगर हम बात करें, पिछले महीने 19-21 तारीख को SSC का पेपर था तो किसी को टाइमिंग रिपोर्टिंग 12 बजे थी, किसी को 11 बजे, हम बाय रोड आदू के पेपर चले गए क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम होता है। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करते हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस ट्रेन को रिज्यूम कर दिया जाए ताकि हम आराम से और टाइम पर कॉलेज पहुँच सके। तो ये आपने कुछ लोगों की, जो जिनमें बुजुर्ग भी थे और स्टूडेंट्स भी थे, बहुत सारे लोग थे, यहाँ आप देख सकते हैं इन लोगों को, यहाँ दिखाया। तो आपने देखा कि कैसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ट्रेन स्टॉप हो चुकी है उसकी वजह से। हम और अपकमिंग ऑफ विंटर आ रहा है, उसमें ज़्यादा वर्स्ट होने जा रहा है क्योंकि बनिहाल या काजीगुंड जो भी यहाँ का एरिया है वहाँ की वेदर जो कंडीशंस होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। और इसके साथ साथ हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और उन लोगों से खुसूसन गुजारिश करते हैं जो एक चेयर पर एक अच्छी सी पोजीशन होल्ड करते हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, कि वो आगे अपने उससे भी ऊपर वाले लेवल पर उनको वो ये बात पहुंचाए, और इसके उम्मीद है कि वो इस चीज़ पर गौर व फिक्र करेंगे। और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जैसे कि वो एक स्ट्रेटजिकली ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेन रिज्यूम एक ही साथ कर ले, उनके पास ये भी स्ट्रेटजिकली ये भी कर सकते हैं कि एक ट्रेन या दो ट्रेन स्टार्टिंग में प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, सब कुछ जो कोविड के प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको देखते हुए रिज्यूम करें। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें, और भरपूर उम्मीद है कि हमारी ये बात सुनी जाएगी क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to Amashri News channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.